धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म कलंक की बात करें तो यह फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म है, जिस फिल्म में वरुण धवन, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, आदित्य राय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा जैसे मुख्य किरदार हमें फिल्म में देखने को मिले। फिल्म की कहानी लोगों के बीच पॉपुलर हो रही थी, इसी के साथ ही फिल्म ने पहले दिन धुआंधार कमाई भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि फिल्म दूसरे दिन धड़ाम से गिर चुकी है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म कलंक ने पहले दिन 21 करोड़ 60 लाख की कमाई की थी, लेकिन दूसरे दिन के कलेक्शन में इस फिल्म के में काफी गिरावट देखने को मिली है। बताना चाहेंगे दूसरे दिन फिल्म कलंक ने 11 करोड़ रुपए की कमाई की है। जी हाँ, 11 करोड़ रुपए फिल्म दूसरे दिन का कलेक्शन कर पाई है और पहले दिन इस फिल्म ने 21 करोड़ 60 लाख की धमाकेदार कमाई की थी। और जिस हिसाब से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, उस हिसाब से साफ कहा जा सकता था कि वीकेंड के अंत तक ये फिल्म 100 करोड़ का कलेक्शन आराम से पार कर ले जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है कि अगले दिन इस फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बताना चाहेंगे कलंक फिल्म का रेस 3 और ठग हिंदुस्तान जैसा हाल रहा है। जिन फिल्मों ने पहले दिन तो बढ़िया कलेक्शन किया, लेकिन अगले ही दिन फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली। रेस 3 और ठग हिंदुस्तान काफी बिग बजट की फिल्में थी और उन फिल्मों ने पहले दिन के कलेक्शन में सभी को चौंका दिया था, लेकिन दूसरे ही दिन फिल्मों के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली। ठग हिंदुस्तान दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी साल 2018 में और पहले दिन इस फिल्म ने 50 करोड़ रुपए की धुआंधार कमाई की थी, लेकिन अगले ही दिन इस फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली। और ठीक ऐसे ही कुछ रेस 3 का भी हाल था और इसी कड़ी में अब कलंक फिल्म भी आ गई है और कलंक फिल्म ने 21 करोड़ 60 लाख की शानदार कमाई करते हुए सबको हैरान कर दिया था, लेकिन अगले ही दिन इस फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है।